अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने अपनी फेसबुक ओपन कर ली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का जो है फेसबुक का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो काफ़ी जो है वो आई थिंक ये जो भी कलर है, लेकिन काफ़ी जो है खूबसूरत कलर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद अगर हम यहाँ से कोई कलर चेंज करना चाहें तो ऊपर आप देख सकते हो आपको कलर का जो है वो आइकन दिखाई दे रहा है। इस पे हमने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो है वो बहुत से कलर ओपन हो चुके हैं, पिंक है, ग्रीन, रेड। तो यहाँ से हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैं अगर पिक चूज़ करना चाहूँ तो मैं इस पिक को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फेसबुक का लुक जो है वो कुछ और तरह की दिखाई देगी। अभी मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक की लुक कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पर तो ब्लैक कलर भी है। ब्लैक को हम ऑरेंज को अगर हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी फेसबुक की लुक्स एक बार फिर चेंज हो चुकी है। अब मज़ीद अगर हम देखें इस पे तो बहुत से कलर हैं, जैसा कि आप येलो भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो येलो अगर आप चूज़ करते हो तो आपको कुछ इस तरह की जो है वो लुक देखने को मिलेगी। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये लुक आप कैसे अपनी फेसबुक की चेंज कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बैक चले जाते हैं। बैक हम चले जाएँ तो बैग जाने के बाद हमने करना ये है, सिंपली अपने प्ले स्टोर को जो है ना वो ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार पे इंटर करना है मल्टीपल फेसबुक कलर। आप देख सकते हो मल्टी फेसबुक कलर, इसको आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 3 नंबर पे आप देख सकते हो आपको जो है एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। अब देख सकते हो इसका कलर जो है आपको आइकन सॉरी कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे तो वो आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको से ये पूछेगा लॉगिन का, ठीक है ना। तो आप अपने मोबाइल में जो भी फेसबुक यूज़ करते हो, मान लीजिए कोई भी फेसबुक है, आप उसकी आईडी और पासवर्ड देकर वहाँ से लॉगिन हो सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन होना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन बार बार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो यहाँ से मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो वो हमसे मुझसे ऐसा रोकना चाहिए क्या बच्चा, देखिए कुछ भी, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपनी फेसबुक की लुक को काफ़ी जो है अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और स्टाइलिश बना सकते हो। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड